महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एक कुटिया में रह रहे थे। कुटिया के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे से भरे हुए थे। वहां पंछियों का आना जाना था। पंछियों की चहचहाट की आवाज सुनकर गौतम बुद्ध बहुत आनंदित होते थे। मानो पंछी और पेड़ पौधे उनके परिवार जैसे बन गए। एक दिन भगवान बुद्ध सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक सेठ जी बैठे हुए थे। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध उनकी चिंता का कारण जानना चाहा। सेठ जी बोले, भगवान, मेरे पास अपार संपदा है, भरा पूरा परिवार है, मुझे कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं है, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने सेठ जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हुए हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार की चिंता, घर परिवार की चिंता। याद रखो कि चिंता चैन की शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम प्रकृति का शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधा, फूल, पानी और प्रकाश के रूप, उनकी संपूर्ण संपदा बिखरी पड़ी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। वह अपनी इस दौलत को दोनों हाथों से लौटाती रहती है। यदि तुम उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें ना केवल नींद आएगी बल्कि अत्यंत शांति भी मिलेगी। सेठ ने भगवान बुद्ध की बात का मतलब समझा और कल्याण की राह पर चल पड़ा। दोस्तों, धन और ज्ञान देने से बढ़ता है, इसीलिए इसके संग्रह के साथ साथ दान भी करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी अच्छे आदमी की चाहत ज्ञान से ही हो सकती है, और जो धन बांटने के काम आता है तो वह प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।